चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में खराज मुकदमे की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि लूट ने इस वक्त के वज़ीर आज़म को हटाने की धमकी दी है। अमेरिका को हमने सुपर पावर खुदा मान लिया है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जीएनएन के नुमाइंदे उस्मान भट से। जी उस्मान भट, अपडेट कीजिएगा, समाअत का अहवाल दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो समाअत जो है वो सुन रहे हैं। जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं वो जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि कल तक का टाइम दे दें, कल तक के लिए समाअत जो मुलतवी कर दें, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरी तैयारी तो मुकम्मल है, आप आज ही इसको सुने और आज ही इसका फैसला करें। और अभी जो है वो समाअत जो है वो जारी है। और जो लतीफ़ खोसा है उन्होंने कहा है कि साइफर को जो है वो सियासी मकासद के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है। साइफर में जो है वो ऑलरेडी जो है वो विफाकी काबीना उसको डी क्लासीफाई जो है वो कर चुकी है। एक ऐसे केस में उनको चेयरमैन पीटीआई को नामजद करके गिरफ्तार किया गया है जिसमें कोई कानूनी जवाब नहीं बनता था। अभी जो है वो दलाइल जारी हैं और समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उस्मान भट्ट।